दिल न तोड़ोगे कसम खाके कहो। दोस्तों एक बार फिर से हमारे साथ आ चुके हैं अरुण जी। आज आपको, आज हमको दिखाएंगे, ये अभी एक्चुअली हमने बनाया था स्टेट, लेकिन गलती ये हो गई कि हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की, इसलिए वापस मेहनत करनी पड़ेगी। ये हमसे एक वीडियो के 5,000 रुपए लेते हैं, 10,000 लेंगे। तो आज आपको दिखाएंगे एसटी लाइन में आप स्ट्रेट जॉइंट कैसे दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए दोस्तों एसटी लाइन का तार टूट जाने पर इसकी जॉइंट लगानी पड़ती है। जॉइंट लगाने के लिए दोनों तारों के सिरों को लेकर के कम से कम 1.5 फुट के टुकड़े बाहर निकालेंगे और उनको बराबर बराबर रख करके इनके बीचों बीच हाथ से पकड़ें और एक तार किनारे से ले लेंगे, एक तार किनारे से लेंगे और इस तार को खोलते खोलते यहाँ तक लाएंगे अपने हाथ तक। ये है दोस्तों विजल वायर, जिसमें 7 कोर होती है, जिसमें 6 एल्यूमिनियम की होती है और 1 स्टील की होती है। और इस तार को लिया और क्लॉकवाइज इसको जॉइंट लगाते, बढ़िया ये ट्विस्ट करते जाएंगे इसको क्लॉकवाइज, एक तार को क्लॉकवाइज करते जाएंगे, ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए इसको काट के थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। फिर दूसरे तार को लेंगे। दोस्तों वैसे तो ये तो है विजल वायर, लेकिन अगर तारों के बारे में आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो हमने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें विजल, पैंथर, रैबिट, डॉग, वुल्फ, ये जेब्रा कंडक्टर, जितने भी कंडक्टर होते हैं वो कहाँ काम आते हैं और क्या इनके यूजेज होते हैं, वो सब उसके बारे में बताया गया है। अब दूसरे तार को लेंगे और इसको एंटी क्लॉकवाइज, पहले को क्लॉकवाइज लिया था, इसको एंटी क्लॉकवाइज एक बार सीधा ट्विस्ट करेंगे और ट्विस्टिंग करते समय ध्यान रखें कि बिल्कुल टाइट होना चाहिए ये, और दोनों तारों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, दोनों जो घेरा है इनके बीच में गैप नहीं आना चाहिए बिल्कुल। इस तरीके से एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाते रहेंगे और इस तार को धीरे 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 लास्ट तक ले जाएंगे, अंततः यह तार इतना टाइट होगा कि आप इससे कोई ट्रैक्टर भी खींच सकते हो। ट्रैक्टर से भी खींचे तो ये जॉइंट खुलेगा नहीं, बल्कि जितना खींचेंगे उतना ही टाइट होता जाएगा। ये तो हो गया पहले सिरे का तार, अब दूसरे सिरे के एक लेते हैं तार को, दूसरे सिरे से एक तार लेते हैं, इसको भी पहले तार को क्लॉकवाइज ले जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिए ये टाइट होना चाहिए बिल्कुल टाइट। मुकेश जी थोड़ा पकड़ लें, मैं इसको मार क्यों रहे हैं, ये क्लॉकवाइज ही जाएगा बिल्कुल। और दूसरा तार फिर लेंगे इससे जो एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का बिल्कुल ध्यान रखें ताकि तार खींचने पे खुलेगा नहीं। हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अभी हमने मेहनत की, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पर दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये फील्ड का काम है तो हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे कोई तार टूटा हुआ ही नहीं है अभी, इसलिए हम यहाँ दिखा रहे हैं। वैसे नॉलेज कहीं से भी लिया जा सकता है। इस विजल वायर में 7 तार होते हैं, जो 6 तो एल्युमिनियम के और 1 होता है स्टेनलेस स्टील का, स्टेनलेस स्टील सबसे लास्ट में लगाएंगे। दोस्तों इस तरीके से एक तार एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज लेकर के लास्ट तक इनको ट्विस्ट करते हैं, ये नहीं कि बीच में दो तार कम काट के कम कर लें, फिर उससे उसकी गुणवत्ता घट जाती है जॉइंट की। ये लास्ट तार ये लग गया, बचे अपने पास सिर्फ स्टेनलेस स्टील के दोनों सिरों पे तार। इनको लगाने के लिए ये वाले एक आदमी की ज़रूरत पड़ती है जो इनको पकड़ेगा सामने से। मुकेश जी थोड़ा आइए, इसको पकड़िए आदमी, और एक आदमी की ज़रूरत है, थोड़ा थोड़ा सा दूर रखिए बस। देखो इस प्रकार से इसको पकड़ लेंगे, पकड़ना है और इसको अब हम इसके पहले जो तार अपने पहले लगाए थे उसके विपरीत साइड इसको ट्विस्ट करेंगे। आया, आया, क्यों ट्विस्ट करा है? ट्विस्ट करते समय ध्यान रहे कि दोनों घेरों के बीच में गैपिंग नहीं होनी चाहिए, ये 3 से 4 बार घुमा लेंगे।
उसके बाद इस तार को तोड़ने का तरीका देखें। इसको ऐसे घुमाया घुमाया और यूं घुमा दिया, टूट गया ये। इस तरह से इस तार को तोड़ना है। पकड़िए, थोड़ा सा इधर बढ़ाइए। अब दूसरे साइड का तार ट्विस्ट करेंगे। ये देखिए, ये लिया तार को और यूं ट्विस्ट करना है इसको। बस ध्यान रहे कि दोनों सिरों के बीच में गैपिंग नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। ये टूट गया। तो सही हो गया। एक्सटेंड जॉइंट हो गया, एकदम सीधा एक्सटेंड जॉइंट है। देखने में भी खूबसूरत है और जितना खींचेगा उतना ही टाइट खींचोगे उतना ये टाइट होता रहेगा। एक समय के बाद टूट भी जाता है लेकिन फिर भी टाइट होता रहेगा। जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो, शिकवे दिले भुला के कहो। जो भी कहना लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उनके पास भी ये जानकारी पहुंचे। तो उम्मीद करते हैं मिलते हैं अगले नए वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।